मुस्लिम लीग आफ के सरबराह शुजात हुसैन मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए देखते हैं। हम भी एफआईआर पे रहे हैं, कोई ऐसी मतलब आपकी आपका मुतालबा कि ईसीएल में नाम डालने चाहिए? नहीं, मेरा जज ने, जज का मुतालबा है कि डालने, मैं तो कोई होशियार नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए, नैब ने सिफारिश की है वफाकी हुकूमत को कि इनके नाम जो हैं, नैब ने आज कोर्ट ही किए होंगे ना, फिर सब अदालत ने किए होंगे ना। फिर सब सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, ये बताइएगा कि आपकी मुस्लिम लीग काफ जो है वो पीटीआई की तरफ जाएगी, अपना किधर आपका कोई अलायंस होता नज़र आ रहा है, या आप इंडिपेंडेंट अप्लाई करेंगे? नहीं, अप्लाई तो कर दिया सब ने, हमारे कामर हमारे मेम्बर के लिए खड़े हैं। यानी कि फिलहाल किसी के साथ अलायंस की कोई गुंजाइश नहीं अभी तक नहीं है। जो सब लोधरा के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं, नून लीग ने 40,000 से ज़्यादा लीड ली है और झंगी तरीन के बेटे को हराया वहाँ पर, अब वहाँ पर हमने उनको साथ दिया तो ठीक है, वो जीत गए। आम इंतखाबात टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं आपको 2018 की, और जिस तरह जो प्रोसेस चल रहा है टाइम का बताएंगे आप, टाइम बाद में किसी और बात करेंगे टाइम के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि कुछ शीशा ने मुशावरत शुरू कर दी है के टेकर सेटअप के लिए, के टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो आपकी भी कुछ तजवीज़ है कि के टेकर सेटअप किस तरह का होना चाहिए? अभी तो फैसला नहीं हुआ कि के टेकर होना कि नहीं होना, ये तो पता चले क्या आगे चलना, कैसे निज़ाम कैसे चलना है, तरीका कार क्या होना है। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट बड़े प्रोएक्टिव हुए हुए हैं, संडे को भी कोर्ट लग रही हैं, आपके ख्याल में ठीक तरफ ये डायरेक्शन सारी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर सकती है, उनके पास इख्तियार है। तो इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, अब ऐनक लगानी पड़ेगी यानी मशकूक लग रहे हैं दूर की ऐनक लगाते हैं फिर जाएंगे आपको। अच्छा, ये बताएं कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जेल में होंगे या अगले दफ़ा वजीर आजम का इलेक्शन लड़ सकेंगे? ये तो अदालत के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं, पर साहब को जहाँ तक तल्लुक है साहब से तो हम भी गुजरे हैं, उनका हिसाब तो एक सुप्रीम कोर्ट के सबक जज कर रहे हैं, मेरा प्रवेश साहब का हिसाब तो जनरल ने किया था, जनरल हमजद ने सबसे पहले किया, फिर उसके बाद खालिद मकबूल साहब ने किया और हम पेश हुए खालिद मकबूल के सामने। तो ही अदालत के बड़े नोटिस चल रहे हैं जी, अब तो सजाएं भी शुरू हो गई हैं, तो ये ठीक सिलसिला है, सियासतदानों को भी ज़रा कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अदालत का एक वकार होता है उसको कायम रखना चाहिए। तो ये लग रहा है कि पीटीआई की मकबूलियत में कमी आ रही है लोधरा के इलेक्शन के बाद, कोई ऐसा है अपोजिशन कमज़ोर नहीं हुई मार उड़ के जलसे के बाद? नहीं, इसका कमज़ोर तो मजबूत नहीं होते रहते, आगे चल के पता चलेगा कौन क्या मजबूत है और कौन कमज़ोर है। लड़ाई असल कहाँ होगी इलेक्शन की, पंजाब में या कहीं और? सारे मुल्क में होगी लड़ाई। बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में बड़े इंडिपेंडेंट ही बड़े आ गए हैं, सारे इंडिपेंडेंट, खरीदो फरोख्त अरूज पे है? नहीं, सारे इंडिपेंडेंट आए हैं वहाँ पर, 10 आज़ाद आए हैं। हाँ जी, फैसला ये हुआ था क्योंकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें तमाम पार्टियों ने वोट दिए थे, इसलिए आपस में बैठ के फैसला हुआ कि सारे इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, उसके बाद पार्टी जिसको जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, बार बार नाम आ रहा है शहबाज शरीफ का अगले वज़ीर आज़म के लिए नून लीग की जानिब से, तो आप देख रहे हैं कि आगे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई इस मामले पर इख्तलाफ आ सकता है? इख्तलाफात की बात नहीं, बात जिसको अल्लाह दे वो बनेगा, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के बगैर ज़ीरो हैं, नवाज शरीफ की जो एक अपनी हैसियत है, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुकाबले में नहीं आ सकता, उनकी रजामंदी से जहाँ मर्जी बैठ जाए। मतलब अबर आलूदा जी आगे सियासी या कोई आपको चमक दमक नज़र आ रही है? आजकल तो है ही ठीक है, मौसम ठीक है।